नटेला एगलेस कपकेक्स। ओके, बहुत इजी वे में बनाएंगे, झटपट बन जाते हैं। जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स रहता है ना, उससे हम लोग बना लेंगे एकदम झटपट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। उसमें हम लोग लेंगे हाफ कप दही कर्ड। ठीक है, हम लोग एगलेस बना रहे हैं इसलिए हम लोग कर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे उसमें हम लोग देंगे हाफ कप पाउडर शुगर। ओके, हाफ कप पाउडर शुगर। इसको हम लोग अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, पाउडर शुगर और कर्ड को। तो हम लोग अच्छा से मिक्स हो गया है पाउडर शुगर और कर्ड। ओके, इसमें हम लोग डालेंगे एनी फ्लेवरलेस ऑयल, नहीं तो बटर भी डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। उसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे बेकिंग सोडा। ओके, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कर्ड का ना बहुत अच्छा से फॉर्मेशन होता है और हम लोग का केक एकदम फ्लफी बन जाता है। ओके, अभी मिक्स हो गया। अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस आपके साथ जाता है, सो 1 टीस्पून यहाँ पे वैनिला एसेंस। इसको हम लोग मिक्स करके साइड में रख देते हैं। ओके, यहाँ पे हम रख लिए हैं 3/4 कप रिफाइंड फ्लोर। ओके, सब टाइम यू नो हम लोग छान के यूज करते हैं, इज द मेन पॉइंट इजंट इट। यहाँ पे हम रख लेंगे बेकिंग पाउडर। ओके, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे में हम लोग दे देंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। ओके, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। मैं यहाँ पे ना चंक्स दे दूंगी चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का, सो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून यूज किया है। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे चॉकलेट डार्क चॉकलेट नहीं दोगे तो। ओके, अच्छे से इसको हम लोग सीव कर लेंगे। इसमें हम लोग देंगे 1/8 टीस्पून सॉल्ट। हम लोग का स्वीट बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है। अच्छे से हम लोग इसको भी मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स कर लिया है। अभी हम लोग मिक्स करेंगे अपना वेट इंग्रेडिएंट्स में, अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो मिल्क देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क लिया है, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देके अच्छे से लम्फी बैटर रेडी कर लेंगे। ओके, हम लोग का लम्फी बैटर रेडी हो गया है। बैचेस में हम लोग डाल के अपना फ्लोर को अच्छा से मिक्स कर लिया है। ओके, मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क लिया था, तो आपका कर्ड का लिक्विड कैसा था वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका मिल्क थोड़ा कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स अपन फ्लोर ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग का बैटर रेडी हो गया है। अभी अपना मोल्ड में हम लोग रेडी करेंगे इसको। हम लोग अपनी मोल्ड्स ऐसे रेडी करेंगे, अपने आपके पास जो भी मोल्ड्स होगा आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा आपके पास लाइनर होगा तो आपके पास ऐसा सिलिकॉन का मोल्ड नहीं है, वह लाइनर है, ऐसा लाइनर लगा के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो और थोड़ा ऑयल ब्रश कर दीजिएगा, बस इट्स ओके। ओके, बट ये सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें ऑयल ब्रश का कोई नेसेसिटी नहीं है इसमें। अभी हम लोग अपना मोल्ड्स को रेडी करते हैं। हम लोग पहले इसको एकदम 2 स्पून पहले देंगे, फिर हम लोग नटेला यूज करेंगे आज, क्योंकि नटेला कपकेक है। ओके, पहले हम लोग ऐसा बैटर को डालते हैं 2 स्पून करके, साथ हम लोग इस बीच में अभी नटेला यूज करेंगे। ओके, ऐसा नटेला देंगे, सब में ऐसा नटेला डालेंगे सब कपकेक के। फिर अभी ऊपर से 1 स्पून करके फिर भर देंगे। ओके, इसके ऊपर 1 स्पून करके हम लोग ने
रेडी कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चॉकलेट, जैसे डार्क चॉकलेट लिया, आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो, ठीक है, इसे पीसेस इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत टेस्टी बनता है, फुल चॉकलेटी चॉकलेटी, इज़न्ट इट। सो अब कपकेक्स आर रेडी टू गो टू बेक। ओके, आपके पास रिंग नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एक प्लेट ले लीजिएगा, उसके ऊपर दीजिएगा। ओके, ये अभी हम लोग ने रेडी कर दिया है, इट्स गोइंग फॉर बेकिंग नाउ, ठीक है। सो आफ्टर बेकिंग हम लोग देखेंगे कैसे आपका कपकेक्स बना है। ओके, सो इट इज बेकिंग टाइम, सो लेट्स गो फॉर बेकिंग। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग का कपकेक्स कितना अच्छे से फ्लफी हो गया है, यू कैन सी 10 मिनट्स रिजल्ट और 10 मिनट्स लेफ्ट आउट। ओके, कपकेक्स रेडी हो गया है, 21 मिनट्स हम लोग लिया है, बहुत गर्म है फ्रेंड्स, ऐसे करके हम लोग, ये सिलिकॉन मोल्ड है, सो हम लोग इसे टिल्ट करेंगे तो निकल आता है नीटली, देखिए कितना अच्छे से निकल आया है। इसको हम लोग कट करके दिखाते हैं, हम लोग देखेंगे हम लोग का अंदर नटेला कितना अच्छा लग रहा है। ओके, यस, विल सी, देखिए कितना चॉकलेटी, पूरा चॉकलेट मेल्ट हुआ है, कितना सॉफ्ट है हम लोग का कपकेक्स, देखिए कितना सॉफ्ट है एंड सो यम्मी एंड टेम्पटिंग टू। इस रेसिपी में हम लोग को 8 कपकेक्स हुए थे। ओके, सो आप लोग का एक डिपेंड्स अपन का मिक्सचर क्या देते हो इंग्रेडिएंट्स, कभी कभी 7 भी आपका हो सकता है, कभी 1 बढ़ भी सकता है। ओके, सो आप लोग भी ट्राई करिएगा रेसिपी को, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, सी द नेक्स्ट रेसिपी, टिल देन गुड बाय।